दो निर्णय जो आज हुए हैं, एक तो आपको याद होगा रक्षाबंधन और ओणम के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने रसोई गैस के जो एलपीजी के सिलेंडर के दाम है उसको कम किया था, 1100 रुपए से कम करके 900 रुपए कर दिया, 200 रुपए कम किए, और जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 900 पे भी 200 रुपए की और छूट जो सब्सिडी के रूप में मिलती रहनी थी। अगर आप उज्ज्वला योजना की सफलता देखें तो दुनिया भर की बड़ी से बड़ी एजेंसीज ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी कहा कि कैसे महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया, इससे पर्यावरण को भी बचाने का काम हुआ और महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। 9,60,00,000 रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75,00,000 मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। ये ज़्यादातर परिवार लकड़ी, कोयले, इसके ऊपर आश्रित रहते हैं और जिसके कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है और महिलाओं के स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। ये डिपॉजिट फ्री जो एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए गए थे उसी का ही एक्सटेंशन है, और अगले 3 वर्षों तक 2023-24, 24-25, 25-26 इनमें 75,00,000 कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे। पहला रिफिल और स्टोव भी इसमें निशुल्क दिया जाता है, जिसका खर्चा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उठाती हैं, जबकि डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन के लिए जो खर्चा आएगा वो भारत सरकार वहन करती है और उसको रिम्बर्समेंट के रूप में हम लोग ऑयल कंपनीज को देते हैं।